और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी क्या मजबूरी है कि वो उसकी गलत बात को भी सही मान रहे हैं। ये शिक्षकों का अपनी व्यक्तिगत अपने जो उनका पैसा है उसके लिए उत्पीड़न होता रहेगा तो ये प्रदेश में ये बात उठेगी। यदि मैं गलत ले रहा हूँ तो वो मेरा बंद होना चाहिए, लेकिन यदि वो सही है तो इस प्रकार के जो प्रधानाचार्य झूठी शिकायत कर रहे हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पूरा संगठन यहाँ पर इनके समर्थन में आएगा और सब लोग यहाँ भूखहड़ताल पर बैठेंगे। मेरा जो GPF लगातार 4 वर्षों से कट रहा है उसको भी शायद ये बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी उनकी मानसिकता खराब है इस समय कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से सैनी जी के सर के ऊपर पानी निकल गया, बेचारा कौन आत्मघाती कदम उठाता है, जीवन सबको प्यारा है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाल नेटवर्क। स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के ऑफिस में। और यहाँ पे कोई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी यहाँ पे एक आमरण अनशन बताया जा रहा है, चल रहा है। अभी बात कर लेते हैं अरविंद कुमार जी द्वारा, एक आमरण अनशन अनिश्चितकालीन है या क्या है, अभी बात करके पता चलेगा। बात कर लेते हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के ऑफिस में खड़े हैं, रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में खड़े हैं। अभी बात कर लेते हैं अरविंद कुमार जी से, क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अरविंद कुमार जी हमारे साथ में हैं यहाँ पे, कुछ एक हमारा संघ भी है उसके भी पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी बात करेंगे क्रमवार, अभी बात कर लेते हैं। आपने पिछले साल की एक घटना देखी होगी जो काफ़ी वायरल हुई वीडियो, उसमें KLDAV इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद से ही वो मुझसे निजी रंजिश रखते हैं और मेरे प्रत्येक काम को, छोटे छोटे से काम को भी वो अटकाते हैं। जो ये विषय है, ये विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो बाहर फिलीपींस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वहाँ से वो MBBS कर रहा है। पिछले साल भी मैंने जो है अपने GPF से निकासी के लिए आवेदन किया था, परंतु मेरी साथ में मारपीट कर दी गई। उस समय मैंने किसी तरीके से उधार सुधार लेकर के उसकी फ़ीस को जमा कर दिया, लेकिन इस बार फिर मुझे आवश्यकता पड़ी। मैंने मेरी जो CCL बनवाई हुई है वो भी मैंने उसकी फ़ीस में सब जमा कर दी। आपको पता ही है विदेश में कितना खर्चा होता है। और अब फिर मैंने अपने GPF से लगभग 5 लाख रुपए लोन लेने के लिए आवेदन किया था। पहले मैंने उनसे कहा कि मुझे स्थायी निकासी प्रदान की जाए मेरे GPF से, लेकिन जो वहाँ के जो प्रबंधक हैं फिलहाल, क्योंकि प्रबंध समिति वहाँ पर भंग चल रही है, प्रबंधक राज्य के इंटर कॉलेज दौलतपुर के प्रधानाचार्य हैं, सम्मानित प्रधानाचार्य, उनको मैंने आवेदन किया। उन्होंने तत्काल ही उस पर स्वीकृत लिख दिया मेरे पत्र पर, मेरे प्रार्थना पत्र पर, और कार्यालय को निर्देश दिए कि आप जो तुरंत GPF भुगतान की कार्रवाई करें। परंतु विद्यालय का प्रधानाचार्य, जो मुझसे निजी रंजिश रखता है, मैंने बता ही दिया क्यों रखता है, उसने अपना एक आख्या उन्हें दी और फिर उसके बाद में उस आख्या के आधार पर उन्होंने मेरा जो GPF है का प्रार्थना पत्र था प्रबंधक महोदय ने, वो निरस्त कर दिया। उसके बाद फिर मेरी वार्ता हुई मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से, उन्होंने मेरे प्रांत के नेतृत्व को मैंने इसके लिए अवगत कराया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष संजय बिजलवाण जी हैं, जो देहरादून में हमारे जो एहसास के विद्यालय है उसमें वहाँ पर मैं प्रधानाचार्य के पद पर आसीन हैं और बहुत ही सम्मानित ऊर्जावान, शिक्षकों की के हित की लड़ाई को हर समय लड़ते हैं। ऐसे हमारे महादेव मैठानी जी भी हमारे साथ में हैं। और आपको जब मैंने बताया तो आपने भी हर स्तर पर बात की। मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने मुझे और मेरे संगठन को आश्वासन दिया था कि आपके साथ में न्याय होगा और आपको जल्द ही GPF भुगतान करा दिया जाएगा और आप समय से अपने बच्चे की फ़ीस जमा कर पाएंगे। परंतु अभी तक भी GPF का मुझे भुगतान नहीं कराया गया, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि जो मेरा GPF नियमानुसार काटा गया था और इन्हीं प्रधानाचार्य के द्वारा काटा गया था, इन्होंने मेरी एक शिकायत मुख्य शिक्षा अधिकारी को बिंदुवार शिकायत की कि इनको जो GPF का भुगतान जो किया गया है वो गलत किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय ने उस पर एक सदस्य जाँच समिति गठित की, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी रुड़की को जाँच अधिकारी नामित किया गया था। उन्होंने सारे तथ्यों का परीक्षण किया, मुझे भी बुलाया गया और मैंने भी अपना पक्ष उनके समक्ष रखा और उन्होंने वो जो जाँच थी यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दी। मैंने RTI लगाई और मैंने उसको
जहाँ पर जांच को पढ़ा तो मैंने उसमें पाया कि उन्होंने साफ लिखा है कि वो सब जांचें जो है निराधार हैं, झूठी हैं शिकायतें। तो उसके बाद में लेकिन अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि इन्होंने जो प्रधानाचार्य है श्री मनोज कुमार चैनी, उन्होंने यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी से कहा कि इनकी जो नियुक्ति तिथि है वो 26 जून 1997 है, क्योंकि पटवारी की सेवा में था पहले में और मैं GPF सा आच्छादित था और नियमानुसार शासनादेश के अनुसार मेरी सारी सेवाएं जुड़ी हुई हैं और उसी के अनुसार इन्हीं प्रधानाचार्य के आख्या पर तत्कालिक जो प्रबंधन था, यानी वहाँ पर जो प्रबंध समिति थी उसके जो प्रबंधक थे उनकी पूरी उसमें प्रबंध समिति में पास होने के बाद में मेरा जो GPF काटना शुरू हुआ और 4 साल हो गए लगातार मेरा GPF कट रहा है। अब इनका कहना यह है कि ये जो GPF इनको दिया जा रहा है ये गलत दिया जा रहा है। उसके संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को इन्होंने पत्र दिया और मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ से कोई इन्होंने, हालांकि मैंने पत्र देखा नहीं है, कि उन्होंने उनको कहा है कि नियमानुसार कार्रवाई करें। इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो GPF लगातार 4 वर्षों से कट रहा है उसको भी शायद ये बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी उनकी मानसिकता ख़राब है इस समय कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है ये मैं यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठा हूँ और अनिश्चितकालीन है, जब तक कि मेरी जो मांग है वो पूरी नहीं होती। मैं विभाग से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मैं गलत ले रहा हूँ तो वो मेरा बंद होना चाहिए, लेकिन यदि वो सही है तो इस प्रकार के जो प्रधानाचार्य झूठी शिकायत कर रहे हैं तो इनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रवक्ताओं में 3रे नंबर के प्रवक्ता हैं और इनको विद्यालय का मात्र काम चलाओ व्यवस्था के अंतर्गत प्रभार दिया गया है। अगर ये मेरे साथ में उत्पीड़न कर रहे हैं, मेरे साथ साथ और भी जो टीचर हैं उनको भी इन्होंने उनके साथ में भी उत्पीड़न उनका भी किया है और उनका प्रभार बदलना चाहिए। उनसे जो सीनियर विद्यालय में वहाँ पर टीचर हैं उनको प्रभार दिया जाए और यदि वो नहीं लेते हैं तो पास के ही अगर एहसास के विद्यालय के जो फुल फ्लैश जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनको हमारे विद्यालय का चार्ज दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनको ना तो खुद भी नियमों की जानकारी है, खुद ये जो है BMA इनके पास संस्कृत नहीं है, प्रवक्ता हिंदी बन गए, मतलब मिनिमम शैक्षिक योग्यता इनके पास नहीं है प्रवक्ता हिंदी की। और इन्होंने 2 डिग्री 1 साल में की है साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से, प्रथमा मध्यमा और प्रथमा, और MA भी की है। कैसे कर ली दोनों एक साथ एक ही वर्ष में? उसकी भी उस तत्कालिक जो प्रबंध संचालक थे उन्होंने इनके खिलाफ में जांच हुई थी, शिकायत हुई थी, मुख्य शिक्षा अधिकारी को उसकी पूरी जांच आख्या हुई है, लेकिन यहाँ से भी कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती है। मेरे द्वारा भी जो फर्जी प्रमोशन कर दिए गए थे, फर्जी टीचर वहाँ पर नियुक्त हैं, उसकी भी मेरे द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन मेरे उन पत्रों पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये प्रबंध जो मनोज कुमार सैनी है उच्च राजनीतिक पहुँच वाला व्यक्ति है और ये जो है इधर उधर से राजनीतिक लोगों से फ़ोन कराता है और उसके बाद में मुख्य शिक्षा अधिकारी जी उनके दबाव में आकर के पत्र निर्गत कर देते हैं, उसी के विरोध में मैं यहाँ पर आमरण अनशन में बैठा हूँ। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से कि आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चों को भी आप जब फीस यदि आपको नहीं मिले जमा करने के लिए तो आपको कैसा लगेगा? तो इस अन्याय के विरोध में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से। मैं इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री, और जिन्होंने वास्तव में भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाई हुई है, मेरे साथ में भी वो न्याय करेंगे, मैं उनसे भी अनुरोध और निवेदन करता हूँ। सर, राजनीतिक दल की बात कर लें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी से भी आपका राजनीतिक जुड़ाव है, तो अगर देखा जाए तो आप एक पार्टी से भी जुड़ाव रखते हैं, एक सम्मानित पद पर भी हैं, शिक्षा का पद एक सम्मानित पद होता है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आमजन जो है उत्तराखंड का, देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है हरिद्वार का, उसकी सुनवाई कैसे होगी? ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन जो एक व्यक्ति है जिसकी हट धर्मिता से और रंजिश के कारण केवल वो उस पर रंजिश पे उतारू हो गया, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी क्या मजबूरी है कि वो उसकी गलत बात को भी सही मान रहे हैं और गलत चीज़ों को उसकी मान करके आदेश निर्गत करते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ किसान मोर्चे में, और मैंने अपने आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद, उनको भी, और हमारे जो आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी भाई साहब हैं उनको भी, और जो हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी, और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैंने लिखित रूप में
अवगत करा दिया है इस संबंध में पूर्ण रूप से कि ये कांग्रेस का व्यक्ति है और मुझ पर हमला करवाया है इसने, मैं बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और अभी भी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अभी बात कर लेते हैं, हमारे साथ में कुछ पदाधिकारी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी यहाँ पर आप आए हुए हैं, आमरण अनशन चल रहा है, तो कैसे देखते हैं पूरा आमरण अनशन? एक आप आवाज़ बन के समर्थन देने आए हैं अपना यहाँ पर। इनके द्वारा बहुत लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है अपनी समस्याओं को लेकर। उन्होंने कई बार मुख्य क्षेत्राधिकारी को लिखा, अपने प्रबंधक को लिखा, प्रधानाचार्य को लिखा, लेकिन बड़े कष्ट का विषय है कि किसी ने इनकी बात को नहीं सुना और लगातार इनकी बात की उपेक्षा होती रही। जब बहुत परेशानी में वो आज आ गए तो उन्हें यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा और आज अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पूरा संगठन यहाँ पर इनके समर्थन में आएगा और सब लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इससे पहले हमारा इस जनपद के CO और सभी अधिकारियों से जो भी संबंधित हैं, प्रबंधक, वहाँ के प्रधानाचार्य, कि वो इनकी समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण कर दे, अन्यथा पूरा संगठन यहाँ भी बैठेगा और आवश्यकता पड़ी तो उस कॉलेज में भी जाएगा। ये बात हमें संगठन की तरफ से करें। अभी बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे अभी आमरण अनशन चल रहा है, विभाग में रह के, विभाग में एक शिक्षक विभाग एक सम्मानित पद होता है, अपनी बात के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ जाके, तो या अधिकारियों के खिलाफ जाके, किसी के भी खिलाफ ये मोर्चा है, मोर्चा तो है, तो क्या कहना चाहेंगे? आमजन की समस्याओं का समाधान कैसे होगा फिर? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो शिक्षक आप आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, एक छोटी सी बात है, जो उसका अपना पैसा है और जो उसे अपने भविष्य के लिए जो पैसा हर महीने जमा करके रखता है अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए, आज जब उसको आवश्यकता उन पैसों की हो रही है तो बड़ा दुर्भाग्य है, उस पैसे के लिए जो है इनको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है और आमरण अनशन करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए भी, हमारे विभाग के लिए भी बड़ी दुख और समय की बात है। तो पहले तो हमारे विभाग को, क्योंकि इनके द्वारा कई बार पत्राचार किया गया है इस संबंध में, उनका बच्चा बाहर पढ़ रहा है और उसके लिए पैसों की आवश्यकता है और जो हम अपना पैसा हमारा है उसको हमने नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसके लिए हम, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सैनी जी हरिद्वार के, वे आमरण अनशन पर बैठे हैं, हमें भी इसकी सूचना मिली, प्रांतीय नेतृत्व ने हमें भी इस में भाग लेने के लिए कहा है, हमारा पूरा समर्थन जनपद देहरादून का उनको समर्थन है और हम अधिकारियों को भी इस संबंध में चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो ये धरना प्रदर्शन ये जनपद हरिद्वार ही नहीं, क्योंकि इसी प्रकार यदि शिक्षकों का अपनी व्यक्तिगत, अपने जो उनका पैसा है उसके लिए उत्पीड़न होता रहेगा तो ये प्रदेश में ये बात उठेगी और इसका जो भी भविष्य में इसके पास जो भी निर्णय होगा इसके जिम्मेदार स्वयं ही होंगे। क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक एक सम्मानित पद होता है, पढ़े लिखे भी हैं, पत्राचार करते रहते हैं निरंतर, अगर एक शिक्षक को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है, बहुत सारी जनता ऐसी होती है कि कोई जानकारी नहीं होती, तो वो अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं में आदरणीय हमारे संगठन के प्रांतीय महामंत्री, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष नौटियाल साहब ने इनके संबंध में जो बात रखी है, मैं भी वही बात रखना चाहता हूँ कि जो एक शिक्षक है या कोई भी कार्मिक है, जो एक वेतनभोगी होता है, वो अपने भविष्य में, मेरे साथ कोई अगर मुझे कभी आवश्यकताएं की पूर्ति करनी पड़े उसके लिए एक नियत कुछ पैसा जमा करता है और वो पैसा इस रूप में जमा करता है कि जब मुझे उस पैसे की ज़रूरत हो तो इजीली मुझे वो प्राप्त हो जाए जिससे मेरी समस्याओं का समाधान हो सके। आज भाई जिलाध्यक्ष अरविंद सैनी जी का जो निर्णय है, हम उसके समर्थन में आए हुए हैं और आगे भी इनके लिए हमसे जो भी समर्थन की आवश्यकता होगी उसके लिए हम इनके साथ डट के खड़े रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर कि अपना ही पैसा है, अपना ही जमा करा हुआ पैसा है, उसके लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है, अभी अगर बात नहीं मानी गई तो क्या आंदोलन किस रूप में देखते हैं आगे, कितना उग्र होगा? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि एक शिक्षक या कोई कर्मचारी है अपने जो वेतन है उसका एक अंश जमा करता है भविष्य की जो ज़रूरतों के लिए, और आपका बच्चा फिलीपींस जैसे विदेश में पढ़ रहा है और आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो खर्चे हैं उसकी परेशानी कितनी होगी, उसके लिए आपने आवेदन किया और इनका GPF निर्गत न होना बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तो निश्चित रूप से, ये तो पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्यक्रम लगता है और निश्चित रूप से सैनी जी के सर के ऊपर पानी निकल गया, बेचारा परेश कौन आत्मघाती कदम उठाता है, जीवन सबको प्यारा है,
तो यही जो है उनकी पीड़ा है, इसलिए पीड़ा इनके समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं, हमारा पूरा प्रांतीय नेतृत्व यहाँ पे आए हैं, और हम यदि जो भी आपकी आवश्यकता हुई हम पूरा जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व है जनपद देहरादून का जो हमारा संगठन है आपके समर्थन में यहाँ पर जो है पूर्ण सहयोग आपको देगा। और वैसे तो हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा जो अधिकारीगण हैं या इनके जो प्रबंधक संचालक हैं उनको जो है इस प्रकार का जो इनकी जो उत्पीड़न है उसको ठीक किया जाना चाहिए, इनकी समस्या का तत्काल समाधान हो जाना चाहिए। और उनका अपना पैसा है, कि कोई सरकार से अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा उसको उसी यूज के लिए होना चाहिए जिसके लिए वो मांग रहे हैं, तो दिया जाना चाहिए, तत्काल निर्गत किया जाना चाहिए। और भाई जो हमारे सैनी जो हमारे जनपद हरिद्वार के आसास के माध्यमिक शिक्षा संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष पे अगर इस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है तो आम शिक्षक की आप कल्पना कर सकते हैं वो कैसा अपने आप को असहज महसूस कर रहा होगा। तो इसी क्रम में हम आपके समर्थन में यहाँ पे आए हैं, और जितने भी हमारे हम सबसे उसका पूरा सहयोग आपको देंगे इसमें। अगर शिक्षक यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हैं तो जो वहाँ पे विद्यार्थी हैं जिनको गुरुजी पढ़ाने वाले थे वहाँ पे और वहाँ ना पढ़ा के आमरण अनशन पे बैठे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तय करना है अधिकारियों को, ये तय करना है सरकार को। Thank you.